स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई एजुहब बानसूर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव हमने जो पढ़ा था उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन है अपना, दो बिंदु आवेश क्रमशः 8×10⁻¹ तथा −8×10⁻¹ परस्पर 2×10⁻¹ मीटर दूरी पर स्थित हैं। इस द्विध्रुव से 4×10⁻¹ मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए जब बिंदु, इसमें तीन ऑप्शन हैं। फर्स्ट केस है जब बिंदु द्विध्रुव के अक्ष पर हो, सेकंड है जब बिंदु द्विध्रुव के निरक्ष पर हो, और थर्ड है जब ये द्विध्रुव से 60 डिग्री के कोण पर हो। तो देखो, हमने विद्युत द्विध्रुव के अक्ष निरक्ष पर जनरल फॉर्मूला था विभव का द्विध्रुव के कारण, केपी कोस थीटा बटे में आर स्क्वायर, ये तो जनरल फॉर्मूला होता है थीटा कोण पर। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है इसमें थीटा की वैल्यू हम 60 रख देंगे, तो इससे हो जाएगा। उसके बाद अक्ष पे फॉर्मूला आता था अपना, वी एक्स होता था केपी बटे में आर स्क्वायर, और वी निरक्ष होता था जीरो। तो ये तीनों फॉर्मूले अपने को पता होने चाहिए, तो ये हम आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, तो अपने को सबसे पहले जो गिवन है उनको लिखते हैं। तो क्वेश्चन में अपने को जो डेटा है गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो देखो गिवन है अपने को आवेश का मान दे रखा है। देखो डायग्राम की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा है, दो आवेश हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, दोनों के बीच की दूरी को हम 2L मानते थे या 2A भी लिख सकते हो। तो अपने को आवेश का मान दे रखा है प्लस माइनस 8×10⁻¹, क्योंकि एक प्लस का होता है आवेश, एक माइनस का होता है। तो क्यू की वैल्यू यहाँ पर अपने को गिवन है 8×10⁻¹ कूलम। द्विध्रुव की जो लंबाई है ये अपने को दी हुई है 2×10⁻¹ मीटर, जो 2L है ये है अपने पास 2×10⁻¹ मीटर। और वो जो बिंदु हैं वो द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से उनकी जो दूरी R हम लेते थे, तो R की वैल्यू अपने को गिवन है क्वेश्चन में 4×10⁻¹ मीटर। तो ये सब अपने को गिवन है। उसके बाद सबसे पहले हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करेंगे P, ये होता है Q इंटू 2A या 2L। देखो Q की वैल्यू ये रही, 2L की वैल्यू ये रही, तो वैल्यू पुट करते हैं 8×10⁻¹⁹ इंटू 2L है 2×10⁻¹⁹, तो ये हो जाएगा देखो 8×16×10⁻¹⁹। तो ये अपना P आ गया है। तो पहला केस है द्विध्रुव के अक्ष पर, तो देखो फॉर्मूला लगाएंगे V अक्ष वाला। तो अक्ष पे द्विध्रुव के कारण विभव होता है KP बटे में R स्क्वायर, K की वैल्यू अपने को पता है ये होती है 9×10⁻¹। P की वैल्यू हमने निकाल ली है 16×10⁻¹⁹ बटे में R स्क्वायर। देखो R की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो देखो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा 16 से 16। 10⁻¹⁴ का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻¹⁸ हो जाएगी, तो −8 से 8 कैंसिल हो जाएगी, तो 29 में से 8 गए तो ये 21 बच जाएगी। माइनस की और प्लस की है 9, तो 21 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9×10⁻¹⁛ मात्रक होता है विभव का वोल्ट। तो ये आंसर आ गया अक्ष पर। सेकंड है निरक्ष पर, तो निरक्ष पर तो हमें पता है, निरक्ष पर विभव शून्य होता है, तो कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, तो बी निरक्ष आ जाएगा 0। तीसरा है जब थीटा 60 डिग्री हो, तो थर्ड हम निकालेंगे विभव, V बराबर होता है KP cos थीटा बटे में R स्क्वायर,
क्लियर है? तो थीटा की वैल्यू यहां पे 60 रख देंगे, और कोस 60 का मान होता है 1/2, तो हो जाएगा देखो केपी बटे में आर स्क्वायर गुना 1/2। देखो केपी बटे आर स्क्वायर, इसका मान हमने निकाल लिया था, यह आया था 9 × 10^-12, इसमें 2 का भाग और दे दो तो ये हो जाएगा देखो, अरे भाई इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं ये, तो इसकी जगह डायरेक्ट ही रख लो, अदरवाइज कैलकुलेट कर लो दोबारे से, तो आंसर सेम ही आएगा। इसमें 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4.5 × 10^-12 वोल्ट, दैट इज आंसर। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं द्विध्रुव के अक्ष पर और निरक्ष पर जो भी विभव होते हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ फॉर्मूलाज। थैंक यू।